फ्रेंड्स, आज मैं आज आपको पढ़ाने जाऊंगी नया चैप्टर, जिसको कहते हैं लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एंड लाइब्रेरी एक्ट। ठीक है, तो देखिए, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था 1860 में, जिसमें लाइब्रेरी लेजिस्लेशन एक्ट बना था। ठीक है, प्रिपरेशन इसमें क्या प्रिपेयर किया गया था, लॉज प्रिपेयर किए गए थे और एक्ट प्रिपेयर किया गया था, लेजिस्लेशन प्रिपेयर किया था किसके लिए, डेवलपमेंट करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जो 1930 में आया था। कब आया था, 1930 में, और ये रिवाइज्ड हुआ था 1957 में एंड 1972 में। कब रिवाइज्ड हुआ था, 1957 में और 1972 में। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा, इसी के अंदर पहली ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस जो बनारस में हुई थी। कब हुई थी, 26 से 30 दिसंबर को 1930 में। कब हुई थी, 26 से 30 दिसंबर को 1930 में। उसके बाद देखो, कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया। ठीक है, वो 1945 में आया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें अक्रेडिएशन दिया गया इनएक्ट करने के लिए पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को, अक्रेडिएशन दिया गया क्या इनएक्ट करने के लिए, किसको, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर। ठीक है, जो आप प्रेजेंटली महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक कन्वर नगर वाचन मंदिर है, कन्वर नगर वाचन मंदिर, इसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ पे कोल्हापुर के अंदर। ठीक है, कन्वर नगर वाचन मंदिर को वहाँ पे डिक्लेयर किया गया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। अब देखिए, इसके बाद फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट आया ऑफ इंडिया, फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट ऑफ इंडिया, ये थर्ड अटेम्प्ट था। ठीक है, पहला तो हो गया 1931 में या 1930 में, जो 1930 या 1930 में किया गया था। सेकंड हो गया 1935 में। ठीक है, पहला 1931 में हो गया लाइब्रेरी एक्ट ऑफ इंडिया जो किया गया था, वो पहला 1931 में किया गया था। और दूसरा जो है 1935 में किया गया था जो, और तीसरा थर्ड अटैम्प किया किसने किया था, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में ने, जो बना था 1946 में बन गया था एक्ट, फर्स्ट लाइब्रेरी एक्ट ऑफ इंडिया, सर थर्ड अटैम्प्ट का 1946 में, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1946 में बना था। किसके द्वारा, रंगनाथन जी ने अपने ऑफिस में सक्सेसफुल बनाया था 1948। कब सक्सेसफुल इसको कब मिला था, सक्सेसफुल इसको अटेंशन कब मिली थी, 1948 में सक्सेसफुल अटेंशन मिल गई थी रंगनाथन जी के ऑफिस में। तो ये था हमारा फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद मैं एक और पॉइंट लेना चाहूँगी, यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की थी एक कमेटी 1948 में। कब की थी, 1948 में एक कमेटी को अपॉइंट किया गया था, जिसने सजेशन दिया था एस्टैब्लिशमेंट करने का नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी नई दिल्ली में के अंदर, के कहाँ पर, नई दिल्ली के अंदर। अब क्या हुआ, रंगनाथन ने जी ने एक जिस पर रिपोर्ट सबमिट करी थी, ठीक है, जिसका टाइटल था क्या था, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, क्या था जिसका टाइटल, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान, 30 ईयर प्रोग्राम्स थे इसमें, 30 ईयर प्रोग्राम फॉर इंडिया, इंडिया के लिए। ठीक है, फिर जिसमें विद ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल था, यूनियन और स्टेट, यूनियन और कॉन्स्टिट्यूशेंट स्टेट के लिए, किसके लिए, 30 ईयर प्लान फॉर इंडिया विद ड्राफ्ट लाइब्रेरी बिल फॉर यूनियन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के लिए। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है, यूनियन बिल ऑफ रंगनाथन के अंदर। तो मैंने अब आपको चार चीज़ें इसमें बताई, पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1850 बताया,
ठीक है। फिर उसके बाद मॉडर्न पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन के जी के द्वारा आया था 1930 में और रिवाइज हुआ था 1957 में और 1972 में, ठीक है। उसके बाद कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो 1945 में आया था, फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो बना था वो 1931 में बना था, ठीक है, और सेकंड 1935 में हुआ था, और थर्ड अटैम्प्ट इसका कब हुआ था 1946 में, जिसको सक्सेसफुल मिली थी 1948 में। अब इसके बाद यूनियन बिल ऑफ रंगानाथन था जो 1948 में ही आया था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिटी अपॉइंट की थी 1948 में सजेस्ट करने के लिए पॉसिबिलिटी, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है नेशनल सेंट्रल लाइब्रेरी को न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये चार पॉइंट्स थे जो चार एक्ट्स थे जो मैंने बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आने वाले एक्ट्स को डिस्कस करूँगी। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो जो लाइब्रेरी लेजिस्लेशन और लाइब्रेरी एक्ट पे है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।